हाय, मैं हूँ मलिष्का और हर साल 26 11 पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मुझे मुंबई कर को एक बार फिर से 11 साल पहले हुए उस टेररिस्ट अटैक के बारे में सुनाना चाहिए। और फिर मैं अनीशा चौधरी जैसे सर्वाइवर्स से मिलती हूँ जिनसे बात करने के बाद मुझे यकीन हो जाता है दैट एवरी पर्सन इन आर कंट्री शुड रिमेम्बर दिस डे एवरी सिंगल ईयर। मैं एक्चुअली कॉलेज में थी और ये इंसिडेंट हुआ था जब कॉलेज के हम फ्रेंड्स सब लियोपोल्ड कैफे गए थे। हम एचआर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और मेरे फ्रेंड करिश्मा का बर्थडे था, तो उसकी वजह से हम लोग लियोपोल्ड में वो बर्थडे मनाने गए थे। और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जीना जो है वो हम थोड़ी जल्दी गए थे एक बड़ा टेबल लेने के लिए लियोपोल्ड में। एक्चुअली लियोपोल्ड गए थे अराउंड 8:30, हम थोड़ा जल्दी गए थे, 9 बजे की पार्टी थी और वहाँ पे नीचे मस्ती मजाक का माहौल था, सब लोग बियर पी रहे थे, यू नो वेरी पॉजिटिव वाइब्स थे नीचे। और उसके बाद हम एक्चुअली ऊपर चले गए जो फर्स्ट फ्लोर लियोपोल्ड में होता है वहाँ पे, और एक सीढ़ी ऊपर जाती है, उसके बाजू में एक छोटा टेबल है, टेबल फॉर टू, जहाँ पे कपल्स बैठ सकते हैं। तो एक 9 बजे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जीना वहाँ पे बैठे थे और एक बड़ा टेबल के लिए हम वेट कर रहे थे। तो एक 15 मिनट्स के डिफरेंस पे एक बड़ा टेबल हमें मिल गया जो थोड़ा अंदर था, तो हमने शिफ्ट किया। 15 मिनट्स का डिफरेंस था मलिष्का, प्लीज़ रिमेम्बर दैट। और उसके बाद हमें एक बड़ा सा धमाका ऐसे सुनाई दिया और जैसे हमें पता चलता है कि ये नीचे कहीं पे हो गया, क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो इफेक्ट होता है वो हमें फील हुआ कि बहुत समथिंग वेरी बिग, कुछ बड़ा हुआ है। हम लोग थोड़ा डर गए थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमें चीखें सुनाई दी और मैंने कहा ओके, ये कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गैंग प्रॉब्लम हो रहा है नीचे, क्योंकि ये कुलाबा है, कुलाबा में कुछ भी हो सकता है। और फिर ये चीखे दे गॉट लाउडर और भी ज़्यादा और हम सब बहुत डर गए। उसी टाइम को मैं पीछे मुड़ के जब मैंने देखा जो टेबल पे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जीना 15 मिनट के डिफरेंस पे बैठे थे, वहाँ पे एक कपल बैठा था और नीचे से ऊपर कुछ ऐसे जल्दी से ऐसे फास्ट लगने लगा। हमें समझ में नहीं आया ये गोली है कि बुलेट्स है कि क्या है उस टाइम पे, पर सब चीज़ें ऐसे टूटने लगी, जैसे ग्लास टूट रहा था, मग्स, बियर मग्स टूट रहे थे, प्लेट्स टूट रहे थे। तो हम बहुत डर गए क्योंकि हमें वो गोलियां दिख नहीं रही थी पर दीवार पे वो लग रही थी, तो वो आवाज़ आ रहा था। और जब मैंने देखा तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, उसको शोल्डर पे लग गई बुलेट और वो पीछे ऐसे लाइक बेहोश अनकॉन्शियस ऐसे गिर गई स्टेयर्स के यहाँ पे। और फिर जहाँ पे मैं बैठी थी वो लड़का मुझे देख रहा था क्योंकि ऐसे ही पैरेलल डायगोनल में ही ये टेबल्स थे, और उसके पैर पे लग गया। जब उसके पैर पे लग गया वो नीचे ऐसे तड़प तड़प के वो बेचारा ऐसे देख रहा है कि कोई मुझे मदद करो। तो मैं और दो लड़के हम एक्चुअली गए और तभी मैंने ये मंत्र चालू किया मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में मैं सॉफ्टली बोल रही थी ये मंत्र, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है। और जीना जो है बहुत डर गई, बोल रही थी अनीशा मत जाओ, कहीं पर मत जाओ, लग सकता है तुझे, लग गया क्या, देखो देखो। तो हम गए उसको साइड पर लाने के लिए, तो एक लड़का नीचे से ऊपर सीढ़ी पे चल लाइक दौड़ के आ रहा था, किसी को डर के या कुछ हुआ था नीचे हमें समझ में नहीं आ रहा था, और उसको पीठ पे बहुत लगा था, तो वो सीढ़ी पे वो ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके ऐसे नीचे गिर गया। तो इसी सब इसमें जो करिश्मा थी बर्थडे गर्ल वो और भी चिल्लाने लगी, और एक प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे पास बैठी थी, 7.5 मंथ्स प्रेग्नेंट, वो उस पर चिल्लाने लगी, तुम मरने वाले हो, तेरा बच्चा मरेगा, मैं नहीं मरूंगी, मैं जाऊंगी घर, तुम मरोगे, सब मरोगे, तेरा पति मरेगा, क्योंकि वो इतनी डर गई थी उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो हम तीनों टेबल के नीचे चले गए, वो बेचारा आदमी जिसको पैर पे लगा था जो मेरे जगह में बैठा था वो पता नहीं उसको क्या हो गया पर वो बहुत तड़प रहा था, और उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसी बेहोश पड़ी थी। उसके बाद सब ग्लास और पीसेस सब नीचे फ्लोर पे गिर गए क्योंकि सब लोग तोड़ रहे थे टेबल्स, ये सब टूट रहा था वहाँ पे। तो उसमें एक अमेरिकन औरत थी, उसके ग्लास पीस ऐसे पैर पे लग गया था, तो वो मुझे आके बोल रही ये निकालो, लोग चीख रहे हैं, लोग डर गए हैं, ये बेसिकली माहौल था ऊपर। और इसी वजह से नाउ आई फील कि ये बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि उसके बाद मैंने मेरे डैड को फ़ोन किया था, हमें पता नहीं था हम घर कब जाएंगे, तो मैंने डैड को फ़ोन किया और बोला कि डैड आई डोंट नो मैं आपको वापस देखूंगी कि नहीं, बट आई लव यू, और मॉम को भी बोल दो आई लव हर। और मैंने जीना को देखा और उसको कहा कि जीना थैंक यू फॉर बींग माई बेस्ट फ्रेंड बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़,
और जब मैं ये मंत्र बोल रही थी तब मैंने एक्चुअली मेरे दत्त गुरु जो मेरे भगवान हैं, मैंने उनको कहा कि अगर गोली लगे तो मुझे ऊपर ले लेना, क्योंकि ये बंदा जो तड़प रहा है वो मेरी जगह पे वो बैठा हुआ है. तो इट वॉज सच अ कोइंसिडेंस कि यू नो आई मीन लक. यू कुड हैव बीन द पर्सन इन दैट चेयर. आप वहाँ पर बैठे थे और आपका टेबल शिफ्ट हो गया. एंड आई कांट इमेजिन कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरे सामने शी वुड हैव गॉट शॉट. उसको गोली लग सकती थी और वो उसको वैसे नहीं देख सकती थी. तो इट वॉज अ वेरी स्कैरी इंसिडेंट. सभी लोग ऐसे डर के मारे सभी जगह घुस गए थे. बाथरूम में 10 लोग भरे पड़े थे. किचन में एक अफ्रीकन वुमेन थी किचन में, उसको चक्कर आके वो गिर गई थी. So basically at some level Anisha, ye do you consider 26/11 to be your day of punarjanam perhaps? Absolutely. Ye din aapke liye bahut maine rakhta hai because I know it would. It's like you have gone on to do great things. You have like a shirt company. Aaj aap yahan par baith kar apni kahani suna rahi hain. What is the one thing you would like to tell people jo is waqt sun rahe hain? Mujhe aise lagta hai that life brings these opportunities and these incidences and experiences that happen, and इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ में वो हम ये पॉजिटिवली देखें, क्योंकि ये चीज़ें ही अपनी लाइफ बदल सकती हैं. जैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे घर का खाना नहीं खाऊंगी, मेरे मॉम डैड को कभी देखूंगी या नहीं. ये थॉट्स जो आए थे आई थिंक ये बदल देते हैं एक एक इंसान को. यू चेंज एज अ पर्सन. सो एवरी 26/11 मलिष्का लेट मी शेयर अ लिटिल सीक्रेट विथ यू. मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड जीना हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. तो क्योंकि हमें लगा कि ये और एक दिन मिलेगा नहीं हमें. Did you go back to Leopold again? हम एक बार गए थे और सब गोलियां बुलेट शॉट्स जो थे वहाँ पे, क्योंकि ग्लास पे अभी भी उन्होंने रखा है वो. तो हमने देखा पर वो फीलिंग बहुत ही अजीब थी वहाँ पे, तो हम वहाँ पे बैठे नहीं. ऑनेस्टली एक ही बार गए थे पर हमने एंट्री करके सिर्फ एग्जिट कर लिया वहाँ से.